नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अदालत की एक बड़ी अजीब सी खबर को लेकर आपके बीच आया हूं। ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास बरेली जिला अदालत की एक खबर है। वहां अपर सत्र न्यायाधीश, ये शायद डिस्ट्रिक्ट जज जो रहते हैं, जिला न्यायाधीश जो रहते हैं उनसे ज़रा से नीचे होंगे, ये ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, इन्होंने एक मामले में बड़ी अजीब सी सज़ा सुनाई है। पहले इस मामले को बतला देता हूँ। एक 15 बरस की लड़की थी कुछ साल पहले, उसने एक रिपोर्ट लिखाई एक बालिग के खिलाफ कि इसने उसके साथ बलात्कार किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर मामला चलते रहा अदालत में, लंबे समय तक सुनवाई होती है। हिंदुस्तान में जल्दी तो केस खत्म नहीं होते हैं। लड़का जो है जिसके खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई गई थी, बालिग था वो, लड़का बोलना शायद गलत हो, नौजवान था वो, 4 साल शायद जेल में रहा, 1653 दिन। ये दिन का एक अलग महत्व है इसलिए मैं गिन रहा हूँ। 1653 दिन जेल में रहा ये नौजवान। नाबालिग लड़की की शिकायत थी कि उसके साथ बलात्कार किया, अपने परिवार के साथ आके उस लड़की ने रिपोर्ट लिखाई थी। बरसों तक मामला चला, अब लड़की बालिग हो चुकी है, उसकी शादी भी हो चुकी है। अभी अदालत पहुंची, उसने कहा कि मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ था, उसने कहा मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ था, मेरी माँ उस लड़के को नापसंद करती थी इसलिए अपनी माँ के कहे हुए मैंने झूठी रिपोर्ट लिखाई थी। बलात्कार के मामले में 1653 दिन एक लड़का जेल में रहा, 1653 दिन जेल में रहा। उसके बाद शिकायत करने वाली लड़की जो है उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मैंने झूठी रिपोर्ट लिखाई थी अपनी माँ के कहे हुए। बहुत ही तकलीफदेह बात है कि ये नौजवान जो कि बेकसूर था, इस खुद ही लड़की के बदले हुए बयान के मुताबिक उसको 4 बरस से ज़्यादा का वक्त, 4 बरस कई महीने जेल में रहना पड़ा। अब अदालत ने जो फैसला दिया है वो बड़ा दिलचस्प है, उसकी वजह से मैं आपके बीच में हूँ। मेरे पास वो फैसला आ गया है, उत्तर प्रदेश से किसी ने मदद की, वहाँ से वो फैसला आया मेरे पास। 16 पेज का फैसला है, मैं उसके बहुत ज़्यादा जानकारी से आप पे बोझ डालना नहीं चाहता, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है, जज ने ये कहा कि जितने दिन ये नौजवान जेल में रहा उतने दिन उत्तर प्रदेश सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी थी, किस तारीख से किस तारीख तक सरकार की न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रमिक, अनस्किल्ड लेबर के लिए जो मजदूरी का रेट रहता है सरकार का, जिस दौर में जो रेट था उस रेट से पैसा ये लड़की इसको दे, नौजवान को, तो वो पैसा रेट कैलकुलेट करके फैसले में आया है 5,88,822। इतना रुपया उस लड़की को हर्जाने के रूप में देना है इस लड़के को। यहाँ तक तो बात ठीक हो सकती थी, लेकिन और दिलचस्प और नाटकी मामला ये है कि जज ने ये कहा कि जितना इसको परेशानी हुई है, जितनी इसकी तकलीफ हुई है, 4 साल 6 महीना 8 दिन ये जो तकलीफ हुई है इस नौजवान को, इसके एवज में झूठी रिपोर्ट लिखाने वाली लड़की को इतने ही दिन, 1653 दिन कैद सुनाई है जज ने। लड़की अभी बालिग है, शादी हो गई है उसकी। अब मैं इसको लेकर थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ। कानून की मेरी बड़ी सीमित समझ है, मैंने कानून कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत हैं उन पे मेरा भरोसा है। मैं इस फैसले में एक गड़बड़ी देख रहा हूँ और हिंदुस्तानी अदालत के फैसलों की आलोचना करने में कोई रोक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा।
मैं कोई शहादत जैसा काम नहीं कर रहा हूं। यह है इसमें कि जिस दिन लड़की ने रिपोर्ट लिखाई थी वो नाबालिग थी। तो नाबालिग अगर कोई जुर्म भी करे, अगर झूठी रिपोर्ट भी लिखाए, जुर्म भी करे, तो नाबालिग उसके लिए कसूरवार उस तरह से नहीं है जिस तरह से बालिग लोग रहते हैं। एक जुवेनाइल कोर्ट के जो कानून अलग रहते हैं, जिसमें सुधार गृह भेजा जाता है, कुछ किया जाता है, 1653 दिन की कैद, ये कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अदालत में साबित हुआ कि एक ने दूसरे की आंख फोड़ दी थी, तो जज कहे कि तुम भी इसकी एक आंख फोड़ दो, हिसाब बराबर। कुछ इस किस्म का मुझको ये फैसला लग रहा है। 1653 दिन की कैद, शिकायतकर्ता लड़की को, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि ये लड़की मासूम है, मैं ये भी मानता हूँ कि ये सजा के लायक है। आपने किसी के खिलाफ ऐसी झूठी रिपोर्ट लिखाई कि उसका परिवार तबाह हो गया, उसकी इज्जत तबाह हो गई लड़के की। अब आप बोल रहे हो कि मैंने झूठी रिपोर्ट लिखाई थी, तो आपको सजा तो होना चाहिए। लेकिन क्या उस नौजवान के जेल में गुजारे गए 1653 दिन के एवज में झूठी शिकायत करने वाली लड़की को 1653 दिन की सजा होनी चाहिए? क्या कानून में ऐसा इंतजाम है? मेरी कानून की जानकारी कम है, मेरी जिज्ञासा है कि जज साहब ने जो बरेली के कोर्ट में जो फैसला दिया है, क्या ये सही है? ये फैसला कानूनी रूप से पुख्ता है? ये क्या ऊपर की अदालत में जाके खड़ा हो सकेगा? हम बाद में भी बात करेंगे, जब ये फैसला किसी ऊपर की अदालत में जाएगा, वहाँ या तो इसको सही ठहराया जाएगा या गलत ठहराया जाएगा। उस वक्त एक बार मैं फिर आऊँगा आपके सामने इस फैसले को लेकर। लेकिन आज मुझको ये फैसला का ये हिस्सा अटपटा लग रहा है कि एक नाबालिग लड़की उस समय 15 साल की थी और वो कह रही है कि मैंने अपनी माँ के कहे हुए अदालत में हलफनामे पर झूठा बयान दिया था। अब क्या ये मामला सही है नहीं है, ये फैसला सही है नहीं है? और अगर ये नौजवान अगर जेल के बाहर रहता है, तो ये 5,88,000 रुपया का आज जो उसको हर्जाने का हुक्म हुआ है, क्या ये पैसा उसके परिवार को रोज नहीं मिलना था? एक अनस्किल्ड लेबर की तरह जो पैसा उसको मिल रहा है, क्या ये बाहर कुछ ज़्यादा पैसा कमाने का हकदार था? जो मुझको जो इस फैसले में जो पढ़ने मिल रहा है वो ये है कि ये परिवार, लड़की का परिवार भी बहुत सक्षम नहीं है, लड़की का परिवार भी बहुत पैसे वाला नहीं दिख रहा है। पिता की बचपन में मौत हो गई है, माँ एक निजी चिकित्सालय में स्वच्छता कर्मी है जो झाड़ू पोछा करके परिवार लगाती है, चार बहनें हैं, दो बहनों की शादी है जो ससुराल में है, तीसरे नंबर पर ये लड़की है, इसकी भी शादी हो चुकी है, इसका पति एक कोई प्राइवेट गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, चौथी बहन 16 साल की है, वो भी कोई काम करती है, दो और छोटे भाई हैं जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है, वो कुछ नहीं करते। अब मैं जज के इस फैसले पर ये भी सोच रहा हूँ, ऐसा जो परिवार है जिसमें भाइयों की पढ़ाई छूट गई है, कुछ नहीं करते हैं, ये लड़की जिसने झूठी रिपोर्ट लिखाई थी ये खुद भी कुछ नहीं करती है, इसको 5,88,000 का जुर्माना सुनाया गया है, क्या ये इस जुर्माने के लायक है? क्या इतनी सक्षम है कि ये पटा सके पैसा? एक बात, 1653 दिनों के एवज में 1653 दिनों की कैद, पता नहीं एक नाबालिग ने उस समय रिपोर्ट लिखाई थी, शायद कुछ रियायत बरतनी चाहिए थी, शायद हाईकोर्ट में जाने पर इस फैसले में ये टिकेगा नहीं, इतनी सजा इतना कैद नहीं टिकेगा, हो सकता है सुधार गृह में कुछ समय के लिए इस लड़की को भेज दिया जाए, लेकिन अब तो वो बालिग हो चुकी है, तो अब तो सुधार गृह में भी नहीं भेज सकते, अब तो जो भी अदालत तय करेगी ऊपर की, भेजना तो जेल ही पड़ेगा।
तो ऐसे कई पहलू हैं इसके, आप भी सोच के देखिए इस बारे में जो मैं कह रहा हूँ कि क्या मेरी जिज्ञासा, मेरी आपत्ति, मेरी आलोचना ये सही है या गलत है। आपको क्या लगता है कि ये फैसला सही है कि झूठी रिपोर्ट के आधार पर 1653 दिन एक लड़का 4 साल 6 महीने 8 महीने जेल में रहा हो, उसको क्या मुआवजा मिलना चाहिए? रुपए पैसे का मुआवजा तो ठीक है। मैंने इस बारे में एक दो वकीलों से बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि ये फैसला बहुत ख़राब फैसला है, ये अच्छा फैसला नहीं है। उनका ये भी कहना है कि ये इतने बरस के बाद 1653 दिनों के बाद ये फैसला आ रहा है। पुलिस क्या कर रही थी इतने समय में? लड़की ने तो शिकायत लिखा दी थी बलात्कार की, पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस को इस 4 साल 6 महीने में जांच करके तथ्य सामने रखने की बात नहीं आई थी? ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी उत्तर प्रदेश पुलिस की? क्या किया उन्होंने? खैर, मैं इस मामले को देख रहा हूँ, इसमें कम से कम एक चीज़ मुझको ठीक दिखती है कि कोई अलग अलग धर्मों के लोगों का मामला इसमें नहीं है, दोनों एक ही धर्म के लोग हैं, इसलिए इसमें कोई अलग अलग धर्मों के लोग हों ऐसा विवाद नहीं है। नाम किसी का बोलने का बहुत औचित्य नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मामूली लोगों को यहाँ कौन जानते हैं, एक ही धर्म के लोग हैं दोनों, इतना समझ लीजिए। क्या होना चाहिए ऐसे मामलों में सोच के देखिएगा आप, कैसी सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जनता को भी सोचना चाहिए कानून के बारे में कि अगर बलात्कार की झूठी रिपोर्ट के आधार पर 4 साल 6 महीना 1653 दिन एक बेकसूर अगर जेल में रहा, क्या उसकी ज़िंदगी रह जाएगी इतने समय के बाद बाहर निकल कर? और अभी तो ऊपर की अदालतें बाकी हैं, हो सकता है लड़की का परिवार इसके इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाए, तो अभी और लंबा खींच सकता है। ये ज़रूर है कि जो नौजवान जेल में था उसको जमानत मिल जाएगी इस फैसले के आधार पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमको आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि ऐसे मामलों में क्या होना चाहिए जब कानून किसी बेइंसाफ को 1653 दिन जेल में रख सकता है, और उसके बाद अगर ये लड़की बयान नहीं बदलती अपना, और बयान बदलने के साथ में जो कहा गया है तर्क वो ये है कि वो सुनवाई में आ के थक गई थी। अब मुझको नहीं मालूम कि ये थकान के कारण उसने बयान बदला है और झूठ कहा है इस बार, पहली बार सच कहा था, मुझको नहीं मालूम। लेकिन अदालत में जो आखिरी बयान दिया गया है हलफनामे पे, अदालत ने उसके आधार पर फैसला लिया है। आप सोच के देखिएगा, क्या कोई लड़की ऐसा भी हो सकता है कि इस मामले में सच में उसके साथ हुआ हो बलात्कार, और उसे पेशी पे जा जा के थक कर उसने अब बयान बदला है कि ख़त्म करो इस मामले को। उसको शायद अंदाज नहीं रहा होगा कि मामले ख़त्म नहीं हुआ है, मामला उसके ऊपर आ गया है, उसको कैद हो रही है उतने ही दिनों की। पहली बार माँ के कहे हुए अगर उसने झूठा बयान दिया था और इतने साल 1653 दिन तक ये मामला चला, तो ये भी एक प्रताड़ना है लड़की के लिए, जाके चेहरे पे दुपट्टा बांध के खड़े रहें बलात्कार के केस में, आवाज़ लगे, बुलाया जाए, बयान लिया जाए। आपको ध्यान है ना, एक किसी केस में बलात्कार की शिकार एक लड़की को हिंदुस्तान के ही किसी मजिस्ट्रेट ने अपने चेंबर में बुला के कहा अभी महीना दो महीना के भीतर कपड़े उतार के दिखाओ कि कहाँ पे बलात्कार हुआ, कैसे बलात्कार हुआ। उसने रिपोर्ट लिखाई है मजिस्ट्रेट के खिलाफ। तो बलात्कार की शिकार लड़की की ज़िंदगी भी आसान नहीं रहती है, थाने वाले भी उसमें संभावना ढूंढते हैं, अब तो पता लगा मजिस्ट्रेट भी संभावना ढूंढते हैं। सोचिएगा ऐसे मामले में क्या होना चाहिए था, क्या ये सज़ा ठीक है, कम है, ज़्यादा है, क्या है? मेरी बात पे मत जाइए, आप अपने हिसाब से सोचिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के, दुनिया के जो असल मुद्दे हैं उनके बारे में लोग सोचें। मैं यहाँ पे आपको कपिल शर्मा के शो जैसी किसी गुदगुदी के लिए नहीं बुलाता हूँ। आप अगर मुझको देख रहे हैं तो दिमाग पर थोड़ा जोर तो डालना पड़ेगा, दिल में थोड़ी ऐठन तो होगी कि क्या होना चाहिए।
सोच के देखिएगा, आपको मेरी ये बात अगर अच्छी लगती है कि ये सवाल उठाना, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा, बालिग दोस्तों को, बालिग मुद्दा है, बालिग दोस्तों को भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था। और चलते चलते एक छोटी सी सलाह ये कि अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू का शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर भी ऐसे शौकीन लोगों को खाने का शौक़ रखता है। वो आकर आपके मुंह में बैठ जाता है, आपके फेफड़ों में बैठ जाता है, वहाँ से अपने स्मार्टफोन से गूगल लाइव लोकेशन भेजता है। ऊपर एक आदमी है, ऊपर बड़ी बड़ी मूछें हैं, मुकुट लगा हुआ है, भैंसे पर बैठा रहता है, गदा रहती है, उसको भेजता है कि यहाँ एकदम फिट केस है, आके ले जाओ। क्योंकि लोकेशन लाइव रहती है तो ऐसे लोग जहाँ भी रहें, घर में रहें, बाहर रहें, वहाँ तक पहुँच जाता है भैंसा, उसको देखते हुए भैंसा में डाल देते हैं लोकेशन, आ जाता है। ऐसी नौबत में मत फंसिए, तंबाकू को छोड़ दीजिए। फिर मिलते हैं।